आज दोनों मित्र चले जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए, तो सुदामा वृक्ष पे नहीं चढ़े, कृष्ण चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ने लगे, सुदामा बीनने लगे। वहां चने जो सुदामा के हाथ में थे, विचार किया कि हमें तो पता है अगर ये चने मैंने कृष्ण को दे दिए तो न तो हमारा कोई उपकार होने वाला, ना ही कृष्ण का, क्योंकि ये श्रापित चने हैं, ये अगर मैंने कृष्ण को दिए तो कृष्ण भी गरीब हो जाएंगे। इसलिए विप्र धीरे धीरे उन चनों को चुभने लगा। अब चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो आप चुपचाप खा लो। मोहन ने कटकट शब्द सुना तो बोले, भैया क्या खाता है, कुछ हो तो निक मो को दे दे, भूखन दम निकला जाता है। सुदामा बोले, कब आवरे गए, अरे कादर हुए, ठंड की वजह से दांती बज रही है। भगवान बोले, मित्र हमें अच्छे से पता है कि हम तन की जाने, मन की जाने और जाने चित की चोरी, वैसे प्रभु सो का वसीय जाके हाथ में डोरी। अच्छी मित्रता निभाए रहे हो। दोनों मित्र वहां से वापस आए। बुजुर्गो याद रखना, विद्या पूरी हो चुकी थी, तो सुदामा का हाथ जब भगवान के हाथ से छूटा तो सुदामा रोए के बोले कि अरे कन्हैया, बाएं छुड़ाए जा तो निवल जान के मोय, और हृदय सो कढ़ जाओगे तब सबल जान है। तो आज कन्हैया तो आएगे तो हरिकाधीश बन गए, लेकिन महाराज सुदामा की हालत खराब हो रही है। एक सुशीला नाम की लड़की से विवाह हुआ, लेकिन जा दिन से सुशीला ने घर में कदम रखो है, बाद दिन से पेट भर के भोजन नहीं मिलो। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। एक विद्वान लिखते हैं, दादा गरीबों की दुनिया बनाने से पहले, गरीबों की दुनिया बनाने से पहले खुदा आत्मा में रोया तो होगा। गरीब